वृश्चिक राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और वृश्चिक राशि वालों, माता रानी से प्रे करती हैं, माता रानी आपको आपार संपदा दे, इतनी खुशियां दे ताकि आपके जीवन में दिन दोगुनी रात सोगुनी तरक्की होता रहे। वृश्चिक राशि वालों दोस्तों, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी जी ने दे दिए चार बड़े शुभ संकेत। जी हां वृश्चिक राशि वालों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, समय आ चुका है, अब आपका वक्त बदलेगा। जी हां दोस्तों, गरीबी में घुट घुट कर बहुत जी लिए दोस्तों, अब आपका वो बुरा वक्त खत्म होने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों मां लक्ष्मी जी ने दे दिए इतने बड़े शुभ संकेत, तो दोस्तों आपका तो भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों हम आप सभी को बता दें, जिस घड़ी का आपको वर्षों से इंतजार था वो घड़ी अब आपका शुरू होने वाला है। मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आपकी एक नई जिंदगी स्टार्ट होने वाली है। आप पिछले समय अंतराल में उन परिस्थितियों से गुजरे हैं, उन दुखों का सामना किए हैं, जो कि दोस्तों सभी के लिए आम बात नहीं है, और वो समय आप सही रास्ते पर चले हैं और सिर्फ भगवान पर विश्वास करते आए हैं कि हमारा भी एक दिन वक्त बदलेगा, हम भी एक दिन बड़े आदमी बनेंगे। दोस्तों आपका यही सोच अब आपको उन ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाले हैं जो कि दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों एक कहावत है कि सपने उनके पूरे नहीं होते हैं जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो अपने जिद पर अड़े होते हैं, और यही जिद और यही प्रयास आपको सब कुछ दिलाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी अब आपकी झोली में वो खुशियाँ डालने वाली है जिससे आप वर्षों से बेकरार थे, जिनके लिए आंखें आपकी तरश गई थी। ऐसे में दोस्तों हम आपसे बस इतना ही कहेंगे, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपनी तरफ से कोई भी गलतियाँ ना करें जिससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो। तो दोस्तों पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर चाल पर आधारित है, आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा। माँ लक्ष्मी जी आपको क्या क्या खुशियां देने वाले हैं जिससे आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो भी माता रानी लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में तीन बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लिखेगा, उन्हें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वो चीज़ देंगे जो कि भूलने से भी नहीं भूलेंगे, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आज आपके रुके हुए काम संपन्न होंगे। दोस्तों आज धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, राजयोग धनयोग का निर्माण हो रही है। माँ लक्ष्मी जी आज आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, कामों में आज आपको मन लगेगा, बिना रुकावट के आज आपके सभी काम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी तक आपको जो सफलता नहीं मिल पा रही थी वो सफलता अब माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको मिलने वाली है, अधूरे काम आपके पूरे होंगे, लाभ की स्थिति बन रही है, उसके लिए आप माँ लक्ष्मी को कमल के फूल के साथ पूजा आराधना करें, इससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके घर धन धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों बड़े डिसीजन लेने के लिए आज का दिन बिल्कुल ही समय सही है, बहुत ही बढ़िया दिन है, नए कार्यों की रूपरेखा बनेगी, उस पर कार्य करें, सफलता 110% मिलेगी। आज के दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए थोड़ा सा कमजोर रहेगा, लेकिन फिर भी वो अपने कम लाभ में ही अपने घर से निकाल पाएंगे। आज आपको कार्य क्षेत्र में कोई जिम्मेदारी भरा काम सौंपा जा सकता है जिन्हें आपको बखूबी तरीके से करना है, लापरवाही और आलसी करेंगे तो वो काम आपका अधूरा रह सकता है। आज के दिन शासन व सत्ता का लाभ मिलने से आप अधूरे व
पेंडिंग पड़े कार्य भी पूरे जोश के साथ करेंगे और रोजगार की तलाश कर रहे लोग आज किसी बेहतर अवसर को पाकर प्रसन्न रहेंगे। रुका हुआ धन मिलने से मन आपका प्रसन्न रहेगा और आपका आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुदृढ़ होने वाली है। आज के दिन आपके पारिवारिक रिश्तों में मजबूती लेकर आएगी और व्यवसाय कर रहे लोग आज किसी बात को लेकर थोड़े बहुत परेशान रहेंगे, लेकिन उसका समाधान वो नहीं है अपने किसी मित्र की मदद से आप कर सकते हैं। यदि साझेदारी में किसी व्यवसाय को कर रहे हैं तो उसमें आज किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, नहीं तो दोस्तों आपके साथ धोखाधड़ी छल हो सकता है। आपको अपने पुराने लेन देन के प्रति सावधान रहना होगा। सितारे कहते हैं कि लेन देन आज आपको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। व्यवसाय में समय रहते काम करना होगा, नहीं तो बाद में वो आपके लिए समस्या बन सकती है। किसी कानूनी मामले में आपको आज जीत मिल सकती है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला लंबे समय से था तो वो आपका सुलझ सकता है और उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। यदि जीवन साथी से आपकी कुछ अनबन चल रही थी तो वो भी परिवार के बड़े सदस्यों की मदद से आप दूर कर सकते हैं। और आपको किसी प्रतियोगिता में यदि भाग लेना है तो उसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जितनी ज़्यादा परिश्रम करेंगे उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। आपको इधर उधर की बातों में अभी ध्यान लगाने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान लगाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। कार्य क्षेत्र में आज कोई आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई झूठा आरोप लगा सकता है जिसमें आपको अपनी बात अधिकारियों के सामने रखनी होगी, नहीं तो वो आपको गलत समझ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको इन सभी नकारात्मक आदमियों से, नेगेटिव आदमी से दूर रहना होगा, नहीं तो बेवजह आपको झूठे आरोप लगाकर फंसा सकती हैं। सितारे कहते हैं कि आज का दिन आपकी मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आएगा। आपको कार्य क्षेत्र में कोई जिम्मेदारी भरा काम सौंपा जा सकता है जिसे आपको बखूबी तरीके से करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सितारे इस बात को लेकर संकेत दे रहे हैं कि आज आपको लाभ तो होंगे लेकिन कामों में ही आपको अपना ध्यान लगाना होगा। प्रसन्न रहेगा और बिजनेस कर रहे लोगों के लिए दिन थोड़ा सा इधर उधर रह सकता है, इसलिए जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उन्हें अभी जरा सावधान रहना होगा। आज के दिन आपको शासन व सत्ता का भरपूर लाभ होगा। दोस्तों आज के दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कुछ नरम रहने वाला है। यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट था तो उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना है, नहीं तो वो भविष्य में आपको कोई बड़ा बीमारी के रूप ले सकता है। आपको भाग्य के दृष्टिकोण से कुछ सुखद सूचना सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी नए काम की शुरुआत के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे तो वो अभी आपका पूरा हो सकता है, लेकिन आपको व्यर्थ के भाग दौड़ से अभी बचना होगा, नहीं तो आप अपना काफी समय उसी में लगा सकते हैं जो कि आपको दिक्कत हो सकता है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।